Hello friends, I am Anvita Devi from Target for IQ. In the previous videos, I have discussed the nature of the Indian Constitution and features of Indian Constitution. Now I have come up with some multiple choice questions based on those two topics and these questions have been previously asked in judiciary examinations and thesis examinations as well. So now let's start with the question. फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज अस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वाज फेडरल दिस इज द स्टेटमेंट इट हैज बीन गिवन यर और इस स्टेटमेंट को किसने कहा है इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है तो ये क्वाजई फेडरल संविधान को हमारे किसने कहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टाब्लिश करता है जिसे कि uh, हम ऑलमोस्ट क्वाजही फेडरल कहते हैं ये स्टेटमेंट किसने कहा है तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था और मैंने नोट्स में भी मेंशन किया है इफ़ यू हैवेंट वॉच द वीडियो येट यू कैन वॉच इट ऑन दिस चैनल टारगेट फॉर आई तो uh, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे जो बी ऑप्शन है प्रोफेसर के सी विहरे दिस इज द करेक्ट आंसर ये प्रोफेसर के सी विहरे ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल बोला था क्वाजी फेडरल का मतलब होता है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल फीचर्स सम फेडरल फीचर्स ठीक है तो क्वाजी uh, फेडरल का मतलब होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूनिटरी हो पर उसमें कुछ फेडरल फीचर्स भी हो तो ये हुआ क्वाज़ी फेडरल तो यहाँ पे अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ फेडरल इन कैरेक्टर बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है पर हमें इन चारों ऑप्शन में से एक रीज़न सेलेक्ट करना है कि क्या ऐसी बात है क्या ऐसी विशेषता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाती है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं और जिसमें कि पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं जिस इलेक्शन में तो ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कहीं से भी एसेंशियल नहीं है इस बात के लिए कि ये से जो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड बिल्कुल भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है और ये कोई भी मेथड हम इसके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं नाउ सेकेंड ऑप्शन इज कि गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और वो अपना ऑफिस प्रेसिडेंट की वेल विल एंड विश से होल्ड करते हैं तो ये ऑप्शन भी uh, कहीं से uh, इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल नहीं बनाता है फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करता है और फिर हमारा थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कहते हैं कि देर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड ओनली बाई फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि यूनियन और स्टेट जो होते हैं उनमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती हैं दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि हमारे संविधान के अमेंडमेंट के लिए कुछ प्रोसीजर संविधान में ही दिए हुए हैं और जिसमें से कुछ केसेस ऐसे होते हैं या कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें जो हमारे राज्य हैं उनके जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनका रेटिफिकेशन रिक्वायर होता है तो जो ये फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो भी कहीं से भी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं शो करता है अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज़ नथिंग टू डू विद द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन अडॉप्ट एनी

हमेशा दो गवर्नमेंट की बात करता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट और दोनों गवर्नमेंट का अपना अपना पावर दोनों गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं और दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के कार्य में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा ठीक है ये जो क्वेश्चन है हमारा इसका राइट आंसर इज सी नाउ आर थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से हमें ये बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेलियन uh, फीचर uh, कौन सा ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर uh, एक ध्यान देने वाली बात यह है जो अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यहाँ पे नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर और विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जब हमारा क्वेश्चन अफर्मेटिव में होता है तो आंसर चेंज हो जाएगा पर अगर वहाँ पे नॉट वर्ड दिया हुआ है तो हमें वो विशेषता बतलानी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे जो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अब यहाँ पे जो चार ऑप्शन है वो दिया उसमें से पहला ऑप्शन है द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड और सेकेंड ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थर्ड ऑप्शन है डुअल सिटीजनशिप फोर्थ ऑप्शन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिश्री तो हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का उसके बाद हमें पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है हमारे पास पार्लियामेंट है जिसमें दो सदन चलते हैं एक लोकसभा एक राज्यसभा फिर हमें यह भी पता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है ठीक है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन पिलर हैं हमारे संविधान के और uh, ये जो तीन पिलर हैं वो आपस में एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिश्री लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये तीनों ही संविधान की विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है डूअल सिटीजनशिप का ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि डुअल सिटीजनशिप हमें इंडियन गवर्नमेंट नहीं प्रदान करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रदान करता है डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हम आ, हमें आ, सिर्फ भारत की ही नागरिकता ना मिले इसके अलावा हमें आ, जो भारत के विभिन्न राज्य हैं उनमें से किसी जिस भी राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य की भी राज, नागरिकता मिले तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है सिर्फ हम भारतीय नागरिक हैं कोई भी राज्य भारतीय संविधान भारतीय संघ से इंडियन यूनियन से अलग नहीं है तो हम uh, इसलिए डुअल सिटीजनशिप इज़ द राइट आंसर इट इज़ नॉट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ यूएसए में डुअल सिटीजनशिप मिलती है वहाँ पे राज्य अपनी नागरिकता अलग देते हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फेडरेशन है वो नागरिकता अलग देता है नाउ मूविंग ऑन टू आर फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है uh, यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है ठीक है कि आ, क्या फे इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आ, ऐसी विशेषता है जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता नहीं है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता को नहीं बताता है यहाँ पे भी नॉट वर्ड यूज़ किया गया है तो जो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमें पता है कि फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की ठीक है फिर उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि आ, सम, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट सुपीरियर नहीं होती हैं काम करती हैं तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की होगी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर uh, में होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में होंगी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन भी होगा उसके प्रोविजन में होना तभी अन्बिग्यूटी नहीं रहेगी तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं तो अब हमारे पास बचता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमें ये पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है पर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है तो उसका मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर सकता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अडॉप्ट कर सकता है जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है तो हियर सी इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड स्किड्यूल्स इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सबसे गौर करने वाली बात ये है कि इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स एंड एट स्कडल्स सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है थ्री नाइनटी फोर आर्टिकल्स एंड नाइन स्कीड्यूल्स थर्ड ऑप्शन है थ्री नाइन्टी सिक्स आर्टिकल्स एंड सेवन स्केड्यूल्स और लास्ट ऑप्शन है फोर फोर्टी वन आर्टिकल्स एंड ट्वेल्व स्केड्यूल्स अब जब हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो वो थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स एंड एट स्कैड्यूल्स और फोर फोर्टी वन आर्टिकल्स एंड ट्वेल्व स्केड्यूल्स जो लास्ट ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन हमें सही लगते हैं क्यों सही लगते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास तीन सौ पंचानवे आर्टिकल और आठ आर्ट स्केड्यूल थे और अभी करेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन है उसमें हमारे पास फोर फोर्टी वन आर्टिकल्स और ट्वेल्स स्केड्यूल्स हैं लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दोबारा से हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये जो ओरिजिनल वर्ड है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयो ओरिजिनल पूछा गया है ओरिजिनल का मतलब हुआ संविधान जब बना था जब हमने संविधान एडॉप्ट किया था तब कितने आर्टिकल थे तो तब तीन आर्टिकल और आठ स्केड्यूल थे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो तीन आर्टिकल और एट स्केड्यूल्स इज़ द राइट आंसर ठीक है लेकिन अगर ये पूछा जाता कि आ, अभी करंट में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं या ओरिजिनल वर्ड नहीं लगा होता और ये क्वेश्चन ये होता कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड स्कड्यूल्स इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आर तो हम फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करते तो ठीक है यहाँ पे राइट आंसर ए होगा क्योंकि ओरिजिनल वर्ड लगा हुआ है नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन चारों ऑप्शन में से आ, क्या है यानी कि यहाँ पे फिर एक तरीके से विशेषता ही पूछी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है फ्लेक्सिबल है या फिर इनमें से कुछ भी ऑप्शन नहीं है या फिर पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है तो हमें पता है कि जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसमें आ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी था उसका एक ऑप्शन था सेकेंड क्वेश्चन का तो जिसमें ये बताया गया था कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है हमारा उसमें से आ, कुछ अमेंडमेंट तो सिंपल अमेंडमेंट होते हैं जिसमें कि सिर्फ पार्लियामेंट की ही सहमति रिक्वायर होती है दोनों सदनों की सहमति ज़रूरी होती है और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से और कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है और इसके अलावा जो राज्य हैं हमारे उनकी जो विधानसभाएँ हैं उनकी भी सहमति चाहिए होती है तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से देखा जाए तो वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है तो हियर ए इज़ द राइट आंसर फॉर इट नाउ आर सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन कहता है हु एमंगज्स द फॉलोइंग हैज सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी अब हमने ऊपर पहले पढ़ा था इस देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं आपको एक एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगी कभी कभी क्या होता है कि जब हमें आंसर नहीं पता होता है तो हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें जो है Uh, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं इस स्टेटमेंट के लिए पहला ऑप्शन है केसी वेहरे सेकंड ऑप्शन है एवी डाइसी थर्ड ऑप्शन है सर आइवर जेनिंग्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबब uh, तो जो uh, ये क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस स्टेटमेंट को हम दोबारा से पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी तो हमें ये चीज़ पता है कि सर के सी विहरे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजही फेडरल कहा था ठीक है और क्वाजही फेडरल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वाजही फेडरल ये बताता है कि इट इज़ अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन विद सम फेडरल टेंडेंसीज तो वहाँ पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल टेंडेंसीज जो है वो सब्सिडरी हैं यहाँ पे क्या बोला गया है फेडरेशन वर्ड ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन में है विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कुछ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं तो यानी कि uh, सर के सी वेरे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पहले ही क्वाजी फेडरल बोल दिया है फिर हम uh, आते हैं ऑप्शन बी पर ए तो ए uh, हमें ये पता होगा कि जो ए हैं वो इंग्लैंड के ज्यूरस थे और uh, he is not the contemporary of the uh, Indian Constitution. Uh, ये Indian Constitution बनने से बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ही वॉज डाइड मच बिफोर वेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मड ही वॉज डाइड इन नाइनटीन ट्वेंटी टू तो बेसिकली ए वी डाई सी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि वो उस समय मौजूद ही नहीं थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते तो अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है सर आइवर जेनिंग्स तो इसका मतलब है कि जो हमारा uh, ये थर्ड ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा हमने बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव है तो हमारे हमें ये पता है कि थर्ड ऑप्शन सही होगा सर आइवरजेनिक्स ठीक है तो यहाँ पे हमने एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है अब ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चंस अभी कम समझ आ रहे हैं तो आप इसके लिए प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं उसमें अगर आप एक बार वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा इजी हो जाएगा नाउ दिस इज़ द एर्थ क्वेश्चन इसको मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊँगी ये आपको मुझे बताना है और अगर आपने पिछले दो वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज द एथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिक्लेयर दैट सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कौन से केस में ये बोला गया था कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिया का मैंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ओके गाइज सो दैट्स दैट वॉज दैट वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता है टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड बाय